जी दोस्तों, तो ये भारतपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे इधर की बेस्ट हलाल बिरयानी और बेस्ट हलाल फूड आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जब भी आप आएँ तो यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं, यहाँ पे हलाल फूड आपको मिलेगा भारतपुर में। ये चितवन के बिल्कुल नज़दीक है और ये डिशेस हैं इनकी। ये भैया थे जिनके साथ हम आए हैं, ये कराची भी गए हुए हैं, इनकी ट्रांसिट थी। तो अब हम दीदी से पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ होती है, मेन्यू में क्या क्या मिलता है, आप बताएं क्या क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर मिलते हैं हैदराबाद बिरयानी, हैदराबाद चिकन मटन का आइटम मिलता है, चिकन में मिलता है कुरमा करी, बटर और कढ़ाई मसाला हंडी सब मिलते हैं। चिकन और चिकन रोल रोटी मिलते हैं, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और मतलब देसी सब कुछ मिलता है। इंडियन आइटम है, सब मिलता है। इंडियन ही होटल है, इंडियन ही। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मौजूद हैं और ये देखें आप, ये इनके कुछ आइटम पड़े हुए हैं यहाँ पे और ये इनका डिटेल्ड मेन्यू है। ठीक है, इसमें चेंजिंग्स भी होती रहती हैं। तो दोस्तों आपको ये अब मैं इनका ये भी बता देता हूँ, बिरयानी हलाल फूड और कमल नगर नारंग का गढ़ चितवन। तो ये अब जो है यहाँ पे आप आ सकते हैं और इधर बल्कि ऑन डिमांड अगर आपको फ़ूड चाहिए हो तो ऑन डिमांड फूड भी आपको दे देंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे, क्योंकि रिव्यूज़ जो लोगों के थे यहाँ पे वो बहुत अच्छे थे। तो जब भी चितवन आएँ तो यहाँ से गूगल से आप लोकेट करके आप आ सकते हैं और यहाँ पे ज़रूर आएँ, विज़िट करें। इसी तरह हम वेजिटेरियन होटल पे भी रहे, वहाँ पे वेजिटेबल खाने को मिलता रहे। हमने अपने प्रीवियस वीलॉग में भी उस जगह का ज़िक्र किया था, प्योरली वेजिटेरियन फूड वहाँ पे मिलता है और यहाँ पे आपको मटन है और चिकन मिलेगा आपको और लच्छा पराठा है, मटन का कीमा ग्रेवी, चिकन की आपको मिलेगी और हर चीज़ आपको यहाँ पे बेहतरीन किस्म की मिल जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ पे आएँ तो गूगल से नेविगेट करें, बिरयानी हलाल फूड के नाम से इनका है यहाँ पे, तो आप नेविगेट करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब बाकी हम खाने की वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद बताएँगे कि खाना कैसा था। मटन बिरयानी आ गई है जी, गोट बिरयानी, बकरे की बिरयानी आपके सामने है। ये मटन बिरयानी है, बीच में दही है और बहुत यम्मी डिलीशियस लग रही है। तो आप जब भी ज़रूर आएँ तो ये भी ऑर्डर करें। अभी हम खाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। तो हम लोग अभी बिरयानी खा रही है, मटन बिरयानी, और बहुत ही लजीज है। और दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप यहाँ पे चितवन आएँ तो इसको बिरयानी हलाल को ज़रूर ट्राई करें। प्रॉपर बिरयानी है, स्पाइसेस बराबर हैं और मटन सही गला हुआ है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे ऑर्डर करें और इधर ज़रूर आएँ। ये देखें जी, ये मटन बिरयानी हम खा रहे हैं,
नेपाल चितवन में। देखिए जी ये चिकन कीमा है, ये चाय है, ये लच्छा पराठा है और ये मटन बिरयानी हम अंदर करते हैं। चिकन कीमा और लच्छा पराठा हम खा रहे हैं यहाँ पे। बिरयानी हलाल रेस्टोरेंट के नाम से एक है, आप उसको गूगल कर सकते हैं। गूगल करने के बाद आप आए भी इसको ट्राई करें, बहुत ही शानदार है। प्रॉपर मज़ेदार किस्म का लच्छा पराठा और कीमा है। चाय भी साथ है। हमारा यहाँ आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और यकीन माने कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये भरतपुर में आपको फ्रेश जो है वो मिलेगी आपको, आपकी ऑन डिमांड जो है वो ताज़ा मछली आपको निकाल के देंगे। ये देखिए आपकी पसंद पे जो है आपको फ्रेश मछली तोल के देंगे। वेजिटेबल मार्केट भरतपुर में छोटी सी, और ये वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ी है फ्रेश, और ये भी सब्ज़ी बेच रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स ये फ्रेश वेजिटेबल हैं जी भरतपुर के। और ये जो है जी ये मार्केट है भरतपुर की, ये चितवन के बिल्कुल नज़दीक है। नयानगढ़ भी इसको कहते हैं। नयानगढ़ तो दोस्तों ये यहाँ पे मार्केट है।